इंडिया टीवी पर देवघर के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये लाइव कवरेज लगातार जारी है। ऑपरेशन का एक हैरान करने वाला वीडियो इस वक्त हमारे पास है। गरुड़ कमांडो ने ट्रॉली में फंसे बच्चे को देखिए किस तरीके से बचाया। ये तस्वीर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हवा से 2500 फीट की ऊंचाई पर गरुड़ कमांडो ने बच्चे को पहले बेल्ट से बांधा और फिर सीने से चिपकाकर उसे हेलीकॉप्टर तक लेकर आया। अमित, तो ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं ये बता रहा है कि ऑपरेशन कितना मुश्किल था। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि जो गरुड़ कमांडो है अपने साथ उस बच्चे को इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पिछले 40 घंटे से ज्यादा वक्त से वो इस केबल कार के अंदर फंसा हुआ था और उस केबल कार के अंदर फंसा होना आप सोचिए 40 घंटे तक एक बच्चे लिए कितना मुश्किल होता है। और साथ ही साथ डर इस बात का भी है कि उसको बचाएगा कौन और बचाने के लिए कौन पहुंचे, देवदूत यानी कि गरुड़ कमांडोज जो हैं एयरफोर्स के। और उन्होंने पहले नीचे गए, एक एक करके इस ट्रॉली में मौजूद सबको ऊपर भेजा और सबसे आखिर में इस कमांडो ने बच्चे को अपने साथ लिया और फिर ऊपर की तरफ आए। और देखिए बच्चे को इसलिए साथ में लाया गया क्योंकि अगर बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाता तो आप स्पिन देख रहे हैं ना, लगातार जो स्पिन होता रहता है हवा की वजह से, इस स्पिन से आपको बताएं कि चक्कर आते हैं। चक्कर आने का मतलब होता है कि आप बदहवास हो सकते हैं, आपके जान को खतरा हो सकता है। यही वजह थी कि जो कमांडोज होते हैं इन सब चीज़ों के लिए ट्रेंड होते हैं, वो हाईली स्किल्ड होते हैं। इसी वजह से स्पिन होने के बावजूद भी वो अपना संतुलन बनाए रखते हैं और इसीलिए उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा गया, बच्चे को अपने साथ लाया गया। और इसी तरह से एक एक करके आज 10 लोगों को निकाला गया है। जोसना, 5 लोग और अभी फंसे हुए हैं जिनकी जिंदगियों को सुरक्षित बचाने का काम लगातार इसी तत्परता से, इसी डेडिकेशन के साथ गरुड़ कमांडोज कर रहे हैं। और ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। इन तस्वीरों को इसलिए भी समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान ये रेस्क्यू ऑपरेशन है नहीं। सबसे पहली चुनौती, समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर हवा में इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी चुनौती, 3 से 4 केबल्स वहां पर हैं और जब इस तरीके से रोपवे के जरिए, ये रस्सी के जरिए जवान नीचे जाता है, गरुड़ कमांडो नीचे जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके लिए उस रोप उस रस्सियों में फंसना जो वहां पर आपको नजर आ रही है। तीसरी बड़ी चुनौती, हवा चल रही है और ये जो हेलीकॉप्टर है MI-17V5 ये लगातार हावर कर रहा है। हावर करने का मतलब एक जगह पर ये हेलीकॉप्टर रुका हुआ है, इंजन चल रहा है और ये भी पायलट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिहाज से ये हाइट कम है और इस हाइट में इस तरीके से एक स्टेबल पोजीशन पर हेलीकॉप्टर को रोक के रखना, इस ऑपरेशन को अंजाम देना, ये भी मुश्किल काम है क्योंकि अक्सर अमित हमने देखा है कि लो फ्लाई करना एक बारी को फिर आसान है लेकिन लो हॉवर करने में हेलीकॉप्टर के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन आप देखिए ये हेलीकॉप्टर तब तक हॉवर करता है जब तक एक केबल में फंसे सारे लोगों को ऊपर नहीं लाया जाता। और एक और बड़ी चुनौती यहाँ पर है, लोगों को सुरक्षित ऊपर लाना क्योंकि जब गरुड़ कमांडो नीचे ट्रॉली में पहुंच रहा है वो अंदर जाता है एक एक करके उन लोगों को जो बड़े हैं और उनको समझाता है जिनको डर इन परिस्थितियों में थोड़ा कम लग रहा है, हालांकि सबके दिमाग में डर हावी होगा लेकिन उम्र के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से जो अपने अपने वेट को, अपने बैलेंस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बच्चा है कि आप देखिए बच्चा रो इसलिए रहा है कि बच्चा घबराया हुआ है। 40 घंटे तक ये बच्चा उस केबल कार में फंसा हुआ था। 40 घंटे तक सोचिए कि हो सकता है ना पानी मिला हो, ना खाने के लिए कुछ मिला है, वो उसकी हालत वैसे ही इतनी खराब थी। ऊपर से बच्चा डर रहा था, रो रहा था, उसको देखिए किस तरह से जो कमांडोज हैं वो गए फिर नीचे से बचाकर लेकर आ रहे हैं। और यही वजह थी कि उस बच्चे को आप अकेले नहीं छोड़ सकते थे और इसीलिए जो गरुड़ कमांडो ने उसने तय किया होगा कि मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना, एक वेट का भी रेशियो रह जाता है। जब दो लोग ऊपर आते हैं तो आपको वेट रेशियो भी चेक करना पड़ता है। अब ज्यादा वेट होगा, नीचे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगी तो आप ज्यादा स्पिन करेंगे और कई बार होता है कि आप हल्के भी होते हैं तो भी कई बार ज्यादा स्पिन करने लगता है। बाकी तस्वीर भी हमने देखी थी इससे पहले जब एक आम नागरिक उसने हार्नेस अपनी बॉडी में लगाई और उसको इसी तरह रोप के जरिए हेलीकॉप्टर ऊपर खींच रहा था तो वो ज्यादा घूम रहा था क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है कि वो अपने वेट को स्टेबल कैसे रखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।